नहीं होता क्या है, दो अक्षर हैं, बड़ी ई और य में ई की मात्रा ई। जब हम लोग जैसे चली गई, मुझे लिखना है चली गई, चली गई। अब ये गई में ये बड़ी ई लिखेंगे या य में बड़ी की मात्रा लिखेंगे, इसको लेकर के बड़ा संदेह रहता है। और इसके कारण कई बार हम लोग जो भी वाक्य लिखते हैं उस वाक्य में भूल होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, देखिए ये जो बड़ी ई शब्द है, ध्यान रखिएगा, यह हमेशा संज्ञा के बाद में आता है, संज्ञा संज्ञा शब्द के अंत में आएगा। जैसे मान लीजिए भाई, भाई में क्या लिखते हैं आप लोग, वाई आई लिखते हैं, भाई में बड़ी ई लिखा जाता है, भाई क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मान लीजिए बहनोई, बहनोई मतलब बहन का जो पति होता है, इसी तरह रखिएगा, जब बात करना हो तब ऑन करिएगा, भाई हो गया, बहनोई बहन का जो पति होता है, संज्ञा शब्द है, इसलिए बड़ी की मात्रा लगाई गई है। इसी तरह से अगला शब्द हम देखेंगे, अगला शब्द है काई, काई जम जाती है ना, जहां बराबर पानी गिरता रहता है, काई क्योंकि फंगस है इसलिए काई जहां रहता है, काई संज्ञा शब्द है, इसलिए उसके बाद बड़ी की मात्रा। आप लोग मलाई खाते हैं, शायद नहीं खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इस आते वजह हैं से, सर। बहुत मलाई नहीं खाते हैं, खाते नहीं हैं, अच्छी बात है। बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस से बोलते हैं, अरे नहीं मलाई खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो उनके लिए अलग बात है। तो मलाई के अंत में बड़ी की मात्रा खाने पीने वाली की वस्तु संज्ञा होती है। इसी तरह से आप लोगों ने लड़ाई किया ही होगा बचपन से लेकर आज तक, और चूंकि आप लोग सेना में जा रहे हैं तो वहां लड़ाई तो करनी है, लड़ाई संज्ञा शब्द है, इसलिए वहां बड़ी ई का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी यस तरह मड़ई, पूस की रात, अगर याद हो आप लोगों को इसी तरह रखिएगा, पूस की रात अगर आप लोगों को याद हो तो पूस की रात में मड़ई की कहानी होती है, भीषु माधव थे ना, तो मड़ई चूंकि रहने का स्थान है इसलिए मड़ई में बड़ी की मात्रा लगाई जाएगी। इसी तरह से धुलाई होती है ना, स्कूल में अगर धुलाई हुई, ठीक है, या फिर घर में धुलाई हुई, या फिर आपने कपड़ों की धुलाई की, यह धुलाई जो है वह संज्ञा रूप में जब है। इसी तरह से खुदाई, खुदाई शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है, इसी तरह किसी का ऑन है पीछे से, थोड़ा सा देख लीजिए प्लीज, हम बंद कर लीजिए जिसका भी ऑन हो। ये जितने भी शब्द हैं संज्ञा शब्द हैं, और संज्ञा शब्द का अंत हमेशा बड़ी ई की मात्रा से होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यौ में बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगाएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक बार में आप समझ जाएंगे और भविष्य में कभी मुझे नहीं लगता गलती होगी इसमें। ये देखिए यौ की जो मात्रा है, यौ में बड़ी, वह हमेशा क्रिया या विशेषण, क्रिया या विशेषण शब्द के अंत में लगाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए बिजली चली गई, आजकल तो जाती नहीं है, बिजली चली गई, अगर आपने यह गई लिखा तो आपका वाक्य हिंदी व्याकरण के अनुसार गलत है। क्या होना चाहिए, मैंने यहां बताया क्रिया या विशेषण शब्द के अंत में यौ में ई की मात्रा लगाएंगे, तो यहां होना क्या चाहिए, यही यौ में बड़ी मात्रा, अगर आपने यह लिखा है तो यह गलत है। इसी तरह से एक उदाहरण आपकी तरफ से आएगा, कोई क्रिया शब्द या विशेषण शब्द बताइए। मैंने रोटी खाई, ये खाई में यौ में बड़ी की मात्रा लगेगी। अब ध्यान रखिएगा इस तरह की गलती ना हो, वाक्य अशुद्धि जब आपको दिया जाता है परीक्षा में, तो वाक्य अशुद्धि में यही चीज दे दिया जाएगा, आपको लगेगा अरे इसमें तो कोई भूल है ही नहीं, लेकिन जब व्याकरण के अनुसार उसमें भूल देखने का प्रयास करेंगे तब आपके समझ में बात आएगी कि यह क्रिया या फिर विशेषण शब्द है, उसके अंत में हमें
हेलो हेलो। हाँ, हाँ, एक एक छोटी छोटी सी कॉल कॉल आ आ गई गई थी, थी इसलिए। रुक गया था। चलिए शुरू करें हम। हेलो, सुन पा रहे हैं? ठीक हाँ सर, हाँ यस सर। है, बहुत जरूरी कॉल आ गया था। चलिए मैं आपको बता रहा था कि जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के अंत में बड़ी ई लगाएंगे और क्रिया या विशेषण शब्द के अंत में यौ में बड़ी की मात्रा लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने रोटी खाई, मैंने शर्ट धुलाई या धुलवाई, जैसे मैं लिखूं शर्ट शर्त लगाई, तो यहां लगाई में बड़ी नहीं यौ में की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, इसका एक तरीका और है कि जो शब्द एक वचन में य से समाप्त हो, यकार अंत बोलते हैं ना, य से समाप्त हो, तो बहुवचन में भी उनके अंत में य ही रहेगा, ई नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से अगर इस तरह का कोई शब्द मिले तो उसमें आप गलती निकाल सकते हैं या फिर आप स्वयं गलती नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए राजा ने ऐलान ऐलान किया, यहां मैंने यो में अंत यो आता है, किया यो से खत्म होता है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए हम ये कहें राजाओं ने ऐलान किए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ य में एक ही मात्रा आनी चाहिए या ए कौन सा आएगा, क्या आएगा बताइए, कोई एक बताए। या आना चाहिए, या आएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो किया शब्द है वो हमेशा य से खत्म होता है, तो जब उसका बहुवचन बनाना हो तो उसके साथ में अगर हम ए से उसका अंत करते हैं तो इसका मतलब हमारा वह शब्द गलत हो जाता है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग।
ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और शब्द देता हूं, बच्चों ने गाना गाया गाया, ठीक है। अब इसका मुझे बहुवचन लिखना हो या फिर मान लीजिए इसका स्त्रीलिंग लिखना हो, रानी गाना गाई, कौन सा सही है इसमें बताइए। रानी गाना गाई, यह वाला सही है, ये ऊपर वाला सही है, कौन सा सही है? बच्चों ने गाना गाया, ये सही होगा। अच्छा, रानी गाना गाई, बड़ी की मात्रा गलत है, ये गलत है। क्यों सही है सर? ये बड़ी ही होगा यहाँ। नहीं सर, ये गलत है, बड़ी ही नहीं होगा। बिल्कुल बड़ी नहीं होगा, कहाँ है बड़ी नहीं होगा, क्योंकि गाया जब पुरुष के साथ मतलब पुलिंग के साथ जब यौ से खत्म हो रहा है स्त्रीलिंग में, वो बड़ी थोड़े ना होगा, वो हमेशा यौ ही होगा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम चलते हैं ए और ये में, ये और ये, इनमें से कहां किसका प्रयोग होगा। एकदम आसान तरीका है, अक्सर हम लोग भूल करते हैं इसमें, कहां लगेगा, कुछ आइडिया है आपको, किसी को? नहीं सर। देखिए, जहां य होगा, मैंने आपको ऊपर वाले वाक्य में बताया ना कि जहां य होगा, जैसे गाया तो गाए, खाया तो खाए, या जो य में एक ही मात्रा का प्रयोग क्रिया के साथ होता है, बस ये ध्यान रखना आपको। बच्चे चले गए तो य में एक ही मात्रा का प्रयोग हमेशा क्रिया के अंत में होगा, अगर यह ध्यान रखेंगे तो आपका यह अंश पूरा रहेगा। इसके बाद आता है क में छोटी की मात्रा, और स्पीकर किसी का जल रहा है मतलब बोल रहा है, उसको बंद कर लीजिए। इसके बाद आता है क में छोटी की मात्रा और क में बड़ी की मात्रा, ठीक है। इसमें आप बता पाएंगे कहां क्या लगता है? चलिए देखते हैं। जैसे क में छोटी, क में बड़ी ई की मात्रा हमेशा संबंध दिखाता है, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, संबंध कारक इसे कहा जाता है। जैसे राजा की गाय संबंध दिखा रहा है ना, राजा की। चलिए हाय ही लिख देते हैं, राजा की हाय, राजा जी ने किसी को श्राप दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं रमेश की घोड़ा, सही होगा क्या? रमेश की घोड़ा सही है? नहीं सर, गलत है। क्यों? अभी तो मैंने बताया कि जहां संबंध कारक का बोध होता है वहां की का प्रयोग होता है, तो घोड़ा के साथ की का प्रयोग क्यों नहीं होगा? रमेश का घोड़ा होगा ना सर। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ की जो शब्द है, सत्यम जी आपका फोन ऑफ है शायद, आप भूल गए हैं फोन ऑन रखना। जैसे ये जो की शब्द है, की शब्द के बाद जो भी शब्द आएगा वह स्त्रीलिंग होगा, वह स्त्रीलिंग होगा, याद रहेगा। चार सूत्र मैंने आपको आज बताया, अभी क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। yes, क में छोटी मात्रा, अब छोटी की मात्रा पे चलते हैं। क में छोटी का प्रयोग कहाँ करेंगे? एकदम आसान है और एक बार में फिर आप भूलेंगे नहीं। क में छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है कोई भी कही हुई बात, किसी के कथन, किसी के कथन की बात हो। जैसे मान लीजिए राजा ने कहा उसके बाद की, मतलब किसी के कही हुई बात को आप जब दोहराते हैं या दोहराने का प्रयास करते हैं, तब आप उसमें क में क्या लगाते हैं, छोटी की मात्रा। राजा ने कहा कि, गुड़िया ने कहा कि, राधा ने कहा कि, इस तरह के शब्दों में क में छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
क्लियर है ना? हाँ, अब आगे हम बढ़ते हैं। ये ठाकुर सत्यम सिंह गौड़ जी हैं, इनका माइक अगर ऑफ नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन आपको म्यूट करना पड़ रहा है। मैंने कहा बोल के फिर बंद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको वाक्य शुद्धि के चार अंश मैंने अभी बताया, अब हम चलते हैं विशेषण का शुद्ध प्रयोग। अक्सर इसका भी वाक्य की शुद्धि अशुद्धि में इसका प्रयोग होता है और वहां हम लोग भूल करते हैं, ठीक है। वाक्य की शुद्ध शुद्धि अशुद्धि कैसे, जैसे मान लीजिए एक वाक्य मैं लिखता हूं, मेरे जूते जीर्ण हो गए हैं। बताइए इसमें कहां गलती है, बताएं। ये जो जीर्ण शब्द है, यह जो जीर्ण शब्द है, जीर्ण किसे कहा जाता है? सही शब्द का प्रयोग नहीं है, जीर्ण शब्द का प्रयोग मिट्टी के लिए किया जाता है। यस, जीर्ण शरीर होता है आदमी का शरीर, या फिर कभी कभी मकान के लिए, मकान के लिए जर्जर का प्रयोग होता है। और ये जो गए मैंने, हाँ, ये जो मैंने गए लिखा है, ए लिखा है, वह क्या सही है? नहीं, यहाँ य में ए की मात्रा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि गया होता है ना, तो गया का गए होगा, तो य में ए की मात्रा होगी, तो दोनों इसमें भूल थी। इसी तरह से एक और लिखता हूं, यह किताब अति अच्छी है, इसमें कहां गलती है? अति में बहुत, अति में, अति में, हाँ, अति में क्या होना चाहिए? कम बड़ी की मात्रा, बहुत अच्छी, अति की जगह बहुत होना चाहिए। सही शब्द का हम प्रयोग नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला, एक और वाक्य देते हैं, वह परम गरीब बालक है। इसमें कहां गलती है? सर परम नहीं, परम, परम शब्द नहीं होगा। इसका मतलब है कि वाक्य अशुद्धि अगर आएगी तो मुझे विश्वास होने लगा है कि आप लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। एक और करते हैं, राजा दशरथ, राजा दशरथ की, राजा दशरथ के पंच, पंच बच्चे थे। क्या होगा? बच्चे, राजा दशरथ के पंच पुत्र, पंच पुत्र थे। यहाँ पंच शब्द ही गलत है। किसी का बहुत माइक बोल रहा है, तो पांच होना चाहिए, पंच नहीं। ध्यान रखिएगा कि ये जो संख्यावाचक इसे विशेषण कहते हैं, यह जो शब्द है यह संख्यावाचक विशेषण है, और संख्यावाचक विशेषण लिख लीजिए डायरी में, विशेषण के लिए अक्सर हिंदी के ही अंकों का प्रयोग करें, प्रयोग होगा। लिख लीजिए वाक्य को, लिख लिया। हो गया, आगे बढ़े। अरे जिसने लिख लिया वो तो हाँ बोल दे। जी सर, यस सर। अगला वाक्य है, रुक जाऊं, ठीक है, ये लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। संख्यावाचक विशेषण के लिए अक्सर हिंदी के ही अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए एक और वाक्य देखता हूं। यह 10 रुपया का नोट है। रुपए का, दस रुपए का, रुपये होगा, क्यों होगा रुपए का? ये है रुपए होगा, क्यों रुपए होगा बताइए? क्योंकि 10 है ना, बहुवचन था। हाँ, अगर एक होता तो एक के साथ हम रुपया लगाते, लेकिन आपके जेब में अगर हो 10 का नोट या घर में पड़ा हो तो देख लीजिएगा उसमें रुपए लिखा रहता है, रुपया नहीं लिखा रहता, ठीक है। उसके बाद
एक और है बहुवचन संख्यावाचक विशेषण, इसे कहा जाता है बहुवचन संख्यावाचक विशेषण। बहुवचन संख्यावाचक विशेषण का मतलब हो गया कि ये जो संख्या हम कह रहे हैं विशेषण, ये जो रुपया संज्ञा है इसकी विशेषता 10 बता रहा है, तो ये जो 10 शब्द है या विशेषण है और एक से अधिक है तो बहुवचन हो गया। तो ये जो बहुवचन संख्यावाचक विशेषण है, अगर यह है तब भी या नहीं है तब भी, जो पीरियड हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में अवधि कहा जाता है। अवधि का मतलब क्या होता है? समय। समय के साथ क्या लगेगा? समय या फिर माप, माप या फिर दिशा, दिशा ये माप का माप हो गया, माप होगा माप दिशा, इसके बाद राशि। राशि कौन सी राशि? ध्यान दीजिएगा यहाँ राशि में मैंने क्या लिखा है, छोटी सी मात्रा, ठीक है। तो राशि का मतलब हो गया यह रुपए पैसे या वजन की सामग्री होता है। तथा रीतिवाचक, रीतिवाचक का मतलब काम करने की जो प्रक्रिया है, रीतिवाचक यह सदा एक वचन में रहेंगे। क्या बताया मैंने? मैंने यह बताया आपको कि बहुवचन संख्यावाचक विशेषण हो तब भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में लिखे जाएंगे। उसमें आता है अवधि, अवधि का मतलब समय होता है, माप दिशा राशि, राशि के बाद आएगा रीतिवाचक विशेषण। ये हमेशा ये सारे शब्द एक वचन में रहेंगे। उदाहरण के लिए एक वाक्य मैं देता हूँ, लिख लिया आप लोगों ने सूत्र, लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर जी, ठीक है। नहीं सर, उदाहरण। हाँ ठीक है, लिख लीजिए। हाँ बोलिए, अब आगे बढ़ता हूँ, आप नोट करते रहिए, मैं अगला वाक्य उदाहरण देता हूँ। जैसे अक्सर कहते हैं वह तीन, अच्छा जो लोग लिख रहे थे लिख नहीं पा रहे हैं। अनुराग जी बोलिए, क्या बात है, आपने हैंडसअप किया है मिस्टर अनुराग ठाकुर? रीतिवाचक मतलब क्या होता है? क्या रीतिवाचक? रीतिवाचक मैंने बताया काम करने का तरीका, रीतिवाचक विशेषण। जैसे टेढ़ा चल रहा है, सीधा चल रहा है, ये रीतिवाचक, रीत का मतलब हो गया तरीका, ठीक है। जैसे एक वाक्य मैं देता हूं आपको, वह तीन दिनों से काम पर नहीं आया है। इस वाक्य में कहां कमी है? कहां कमी है बताएं? तीन दिनों क्या होना चाहिए? तीन दिन। क्यों, कारण क्या है? देखिए नियम यह कहता है कि ये जो बहुवचन संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन संख्यावाचक विशेषण एक दो तीन है, वो रहने के बावजूद भी ये जो है पीरियड मतलब अवधि हो गया, टाइम जिसे कहा जाता है, समय माप दिशा राशि और रीतिवाचक विशेषण, ये जो चीजें हैं हमेशा एक वचन में लिखे जाएंगे। तो यहां होना चाहिए था कि वह तीन दिन से, ठीक है। यही हम लोगों को वाक्य अशुद्धि के लिए दिया जाता है और हम यहाँ गलती करके आ जाते हैं। एक और वाक्य दूं? बोलिए। मैं दोनों ओर से घिर गया, या ऐसा, हाँ बताएं, मैं दोनों ओर से घिर गया, क्या होगा यहाँ? बताइए। अरे मैंने कहा ना ये दोनों नहीं होगा, दो ओर से घिरा, ठीक है। लेकिन अक्सर हम लोग प्रयोग कर देते हैं, अरे दोनों ओर से मारे गए। आगे बढ़े।
हाँ सर, हाँ सर जी, जिसने नहीं लिखा हो लिख लीजिए सर। चारों ओर से भी तो हो सकता है, यहाँ दो ओर होगा, दोनों ओर नहीं होगा। अगर वहाँ चार होता तो? आवाज इको हो रही है, वो कान वाला निकाल के बात करिए। बोली बोली सुन नहीं पाया, बताइए। अरे सर, मैं चारों ओर से घिर गया तो वो सही नहीं रहता? हाँ, चार ओर से घिर गया, सही है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला जो वाक्य है इसे कहते हैं समुदाय वाचक विशेषण। समुदाय का मतलब होता है ग्रुप, जिसे कहा जाता है। समुदाय वाचक विशेषण से कुछ शब्द ले लेते हैं। समुदाय वाचक समुदाय वाचक विशेषण हमेशा बहुवचन में रहेगा। लिख लीजिए, फिर मैं इसका विवरण आपको बताता हूँ। समुदाय वाचक विशेषण हमेशा बहुवचन में रहेगा। तो अगर यह बहुवचन में रहेगा तो इसके साथ एक वचन संज्ञा का प्रयोग ना करें। देखो, फिर मैं इसका उदाहरण देता हूं। आगे बढ़े, इसके साथ एक वचन संज्ञा का प्रयोग ना करें। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि लड़का क्या है, लड़का क्या है, एक वचन। लड़का एक ग्रुप है या जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। एक वचन संज्ञा किसमें आएगा? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, दोनों लड़का पढ़ रहा है। अक्सर हम लोग बोलचाल में ऐसा वाक्य बोलते हैं, बताइए। या फिर हाँ, या तीनों बिल्ली दौड़ रही है। ये जो लड़का शब्द है या फिर नीचे बिल्ली शब्द है, यह तो एक समुदाय है ना। मैंने आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा बताया था, जैसे मनुष्य जाति हो गया, मनुष्य जाति में एक समुदाय हो गया। मनुष्य जाति एक समुदाय का लड़का जानवर वाली जाति में स्पीकर हो रहे हैं। जानवर वाली जाति में बिल्ली है, ठीक है। तो बिल्ली क्या हो रही है, समुदाय में आ रही है। तो इसलिए ऐसे शब्द जो होते हैं इनको हमेशा किसमें लिखना है, नियम यह कहता है कि इनको हमेशा बहुवचन में लिखना है, इनके साथ एक वचन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमने कह दिया ना तीनों बच गए, गब्बर सिंह चाचा साहब ने बोला था, तो ऐसे शब्दों के साथ आप हमेशा बहुवचन शब्द का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, इसके बाद आता है अगला जो है विशेषण का प्रारूप है, वह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, नहीं तो रोक दीजिएगा, है ना। फिर मैं उस वाक्य को दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, ऐसी संख्या जो निश्चित ना हो। इसका मतलब है जैसे कई कई लोग आ गए, या फिर मैं कहूं अनेक अनेक। एक मूवी भी आई थी हाल में, ठीक है। ऐसे जो शब्द हैं या फिर इसमें विशेषण लगा के अनेकों कर देते हैं, तो इसे अनिश्चित संख्यावचन विशेषण कहा जाता है। इसके साथ हमेशा बहुवचन संज्ञा का प्रयोग होगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए। ऐसे बहुवचन संख्यावाचक का प्रयोग होगा,
अनेक जो शब्द है, अगर हम अनेक का, हालांकि अनेकों का प्रयोग गलत है, अनेक अगर प्रयोग कर रहे हैं, अनेक के साथ हम लड़के लिख लेंगे, कई जो अगर प्रयोग करते हैं तो कई लड़के, इसका मतलब ये जो संख्या है कई या फिर ये अनेक, ये बहुवचन संख्यावाचक विशेषण है। तो इनके साथ जो संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या है, लड़का, तो कई लड़का आया गलत होगा, या अनेक लड़का आया गलत होगा, उसके साथ बहुवचन का ही रूप प्रयोग होगा। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। अरे मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण मतलब वही एक दो तीन चार, संख्यावाचक विशेषण के साथ द्रव्यवाचक विशेषण का प्रयोग उचित नहीं है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम इसका उदाहरण आपको बताएंगे। संख्यावाचक विशेषण के साथ द्रव्यवाचक जो विशेषण का प्रयोग गलत है, कैसे गलत है, जैसे एक उदाहरण देता हूं। यहां अनेक जल है, ये जो अनेक शब्द है यह संख्यावाचक विशेषण है, और उसके साथ ये जो जल जो शब्द है, ये जल द्रव्यवाचक है, ये द्रव्यवाचक विशेषण नहीं गलत है, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा ना, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, द्रव्यवाचक विशेषण नहीं होगा, भूल भूल गया। ठीक है, तो ये जो जल क्या है, जल क्या है, द्रव्य है ना, मैंने आपको बताया था, जिसको मापा जा सके, तौला जा सके, जिसको तौला जा सके, वजन किया जा सके, पर गिना ना जा सके, यह मैंने बताया था द्रव्यवाचक में। तो यहां अनेक जल है होगा, अनेक जल का प्रयोग होगा, अनेक तो संख्या है ना, गिनती गिना जा सकता है, तो क्या आप जल की गिनती गिन सकते हैं, गिन सकते हैं क्या, बताएं, इसका मतलब है यह प्रयोग। इसी तरह से एक वाक्य और उसके बाद विशेषण का थोड़ा सा प्रयोग बदल जाएगा। जैसे मैं कहूं मुझे कई चांदी है, क्या होगा इसमें, या फिर कहूं मेरे पास कई सोना है, क्या होना चाहिए, ये जो कई शब्द है इसका प्रयोग यहां गलत है। ठीक है, एक और लेते हैं, दूध और दही में, दही में आपको सबसे पसंद क्या है, इस वाक्य में बताइए कहां गलती है। सबसे अधिक पसंद क्या है, क्या होगा इसमें, दूध और दही में आपको सबसे अधिक पसंद क्या है, क्या गलत है इसमें, सबसे, सबसे का प्रयोग यहाँ गलत है, एकदम सही आपने बताया, यहाँ सबसे का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है यहाँ वहां, संतोषी माता व्रत कथा में लोगों ने सुना होगा, यहाँ यहाँ वहां, इसी तरह से जहां तहां, यहाँ वहां जहां तहां, ऐसे जो शब्द होते हैं इनके साथ पर का प्रयोग ना करें, पर, पो और र, जैसे यहां पर, यहां पर, यहां पर चार बच्चे हैं, सही है गलत है, बताइए, लग रहा है सब सो रहे हैं आप लोग, गलत है फिर, सुनो, जब हम पूछते हैं तो कम से कम कोई तो बताया, नहीं तो मुझे लगेगा सब सो रहे हैं, तो हमें भी नींद आएगी। ठीक है,
यहाँ पर का प्रयोग ना करें, ठीक है, पर का प्रयोग यहां वहां जहां ऐसे शब्दों के साथ पर का प्रयोग करना अनुचित है। आगे बढ़े सर। इसके बाद आता है और, हाँ, और एवं और तथा का प्रयोग, और एवं तथा इसका प्रयोग पता है कहाँ क्या किया जाता है? इन तीनों का प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग मुख्य वाक्य से एक ही प्रकार के शब्द जोड़ने के लिए किया जाता है। लिख लीजिए, याद रहेगा, प्रयोग मुख्य वाक्य से एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। लिख लीजिए फिर उदाहरण भी में, ठीक है, मैंने बताया और एवं तथा इनका प्रयोग होता है, तीनों का ही होता है, लेकिन इसमें जो और है और का जो प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण में दूं कि राधा रानी और सविता, राधा रानी और सविता, ठीक है, तो ये जो और शब्द है एक ही प्रकार के शब्द, मतलब ये संज्ञा से संज्ञा को जोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि राधा रानी और क्या विशेषण शब्द कोई ले लेते हैं, राधा रानी और पीलिया, ठीक है, या राधा रानी और खाई रोटी, तो ऐसे शब्द, मतलब संज्ञा है तो संज्ञा जुड़ेगा, सर्वनाम है तो सर्वनाम जुड़ेगा, ठीक है, तो और के द्वारा मुख्य वाक्य या एक ही प्रकार के शब्द जोड़े जाते हैं, वाक्य नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें, और के बाद क्या है, हाँ, अब इसमें देखिए राम, उदाहरण आपको देता हूं, राम लिखता है तथा रमेश आता है, क्या है वाक्य सही है? राम लिखता है तथा रमेश आता है, क्या होगा? राम लिखता है और रमेश आता है, हाँ, यहाँ तथा का प्रयोग गलत है, इसी तरह क्योंकि तीनों को एक ही रूप में लिया जाता है, मतलब वाक्य को जोड़ने के लिए या फिर शब्द को जोड़ने के लिए, तो लेकिन ये जो और का शब्द का प्रयोग हमेशा एक तरह के शब्द के लिए होता है, और एवं और तथा इसका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्द को जोड़ने के लिए किया जाता है, तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, ठीक है, क्लियर है, कुछ और करें या आज सत्र समापन की ओर बढ़ाएं? सर तो यूज इनका मतलब से और जैसे ही करते हैं ना, सेम ही रहता है, हाँ, एवं और तथा ये जो शब्द है जैसे संस्कृत के हैं, संस्कृत में दो शब्द बोलिए, श्रद्धा एवं सबूरी, जी, ठीक है, तो सबूरी जो शब्द है वो संस्कृत का नहीं है, तो वहां और का प्रयोग होगा, लेकिन दोनों अगर संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, तो फिर आप वहां दुग्ध तथा जल, या फिर आप कहें कि कुछ और पर्ण तथा पुष्प, ऐसे शब्दों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। सर अगर एक जैसे आप बोल रहे तत्सम और एक अगर मतलब हिंदी का हो तो नहीं, तब नहीं होगा, पुष्प शब्द हिंदी का नहीं है, तत्सम मतलब संस्कृत का है, और पर्ण मैंने कहा पर्ण पत्ते को कहा जाता है, वह भी संस्कृत का शब्द है, तो ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं, एवं और तथा का, अन्यथा अधिकतर और का ही प्रयोग करें, ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट कर पाया मैं आप लोगों को? हाँ सर, हाँ जी सर, ठीक है, आप लोगों को मैंने की का प्रयोग बता दिया, ठीक है, की का बता दिया, के का प्रयोग बता दिया, और खास खास कुछ अशुद्धियों पर आज चर्चा की, क्योंकि सर्दी अधिक है, दिल्ली में भी सर्दी है और कलकत्ता में भी है,
तो आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अगर आप लोगों की श्रद्धा रही तो कल फिर मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा रात के 9 बजे चर्चा के लिए, ठीक है? कितने लोग आना चाहेंगे कल?